किसी के भी निकल आते हैं, डर तो नहीं पता लेकिन निकल आते हैं भाई। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत व्लॉग। आज इस वीडियो के अंदर जा रहे हैं हम ड्यूक 390 की सेकंड सर्विस करवाने। अविराल भाई वाली ये ड्यूक है। देखो अब यहाँ पे इस वीडियो में आपको समझ में आएगा ओनर टू ओनर कितनी चीज़ें वरी करती हैं। जब मैंने अपनी ड्यूक की सर्विस करवाई थी तो मेरी बाइक में क्या क्या काम हुए थे, और यहाँ पर जब अविराल भाई की ड्यूक की सर्विस करवा रहे तो इसके अंदर क्या क्या काम हो रहे हैं। और यहाँ पर भाई थोड़ा सा गोप्रो ने धोखा दे दिया, तो थोड़ी वॉइस वगैरह के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। यहाँ पे पीछे से वॉइस ओवर कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो के अंदर माइक वगैरह लगा लेंगे। और इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि भाई बाइक की सर्विस कितनी हुई है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर चेंज हुई है, और इसके अंदर कुछ एक दो तीन चार दिक्कतें भी आ रही है उसके ऊपर भी आपको इस पूरी वीडियो में बात करेंगे, सब कुछ बताऊंगा। सो पूरी देख लेना, मजा आएगा, फन वीडियो है थोड़ा, मतलब हंसी मजाक भी होगा। तो बाकी फटाफट से करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। आप लोग देखो, मजा आए तो वीडियो को लाइक कर देना। क्या सुना आपने? इस हंसी के पीछे कुछ राज लग रहा है मुझे, आपकी मेरी नहीं आपकी। वो हरामखोर अंदर बोल रहा था चेन सेट चला गया। मैंने कहा मैं कौन सा उसको कुत्ते की तरह चलाता हूँ यार, इतना तो केयर करके चलाता हूँ। एक बार किलोमीटर तो बताओ कितने चलाया? 6000। अब मेरा विश्वास तो उठने लग गया इस बाइक के केटीएम से। हाँ, मेरा गाली देने का मन कर रहा है। गाइस इनकी बाइक का 6000 रुपए शायद से नहीं गया, नहीं है पूरी तरह से नहीं गया, मतलब कहीं कहीं पे ऐसे इंडिकेशन दे रहा है, यहाँ से 4-5 हज़ार किलोमीटर मैं खींच दूंगा। हो क्या रहा है विराल भाई, पता है गाइस हो क्या रहा है, जैसे चेन टाइट करते हैं ना, कहीं पे टाइट हो रही है कहीं पे लूज हो जा रही है टाइट करने के बाद भी। तो वो कह रहा है शायद से आपका चेन सेट चला जाएगा, नया चेन सेट है सिर्फ 4000 का। भाड़ में जानते मैंने आज तक अपाचे में नहीं बदलवाया, मैं चेन के वो निकलवा देता हूँ लॉक। नहीं इसमें ऐसा नहीं होगा, फिर इसमें जुगाड़ू काम मत करवाना, जख्म मेरे अभी लाल नहीं है, हरे नहीं हुए हैं, समझ रहे हो ना, जुगाड़ू नहीं। कोई बात नहीं, हम चला लेंगे, हम चला लेंगे, इसकी स्पीड पे चला लेंगे, पर हम तभी डलवाएंगे जब डलवाने चाहिए भाई। शायद से विराल भाई की बाइक की शायद से नॉट श्योर क्लच प्लेट्स का भी कुछ इशू है शायद से। वो हराम अभी, तब तो बात अभी भाई देखो हम क्लच एडजस्ट करा लेते हैं, चलाओ ला के देखेंगे। नहीं लगता क्लच प्लेट, मुझे भी थोड़ा पर्सनली है ना ऐसा लग नहीं रहा है, शायद मे भी वो क्लच पीछे हो जाएगा ना, और जब हम फुल पावर भगाएंगे तब मामला पानी सॉर्टेड हो जाएगा। हाँ, तो जैसा मुझे समझ में आ रहा है उस बंदे ने थोड़ा सा ज्यादा दिमाग में ना वो डाउट सा डाल दिया और मूड सा खराब कर दिया था। देखो अविराल भाई देखी जाए, चाय देखते हैं। उसने देखो जो बताया उसने अपने एंड से ठीक बता दिया, अब काम हमारा क्या उसे चेक करना। हाँ। अब हम भाई क्रॉस चेक करते हैं अब क्या सीन है। सही बात है। और बाकी तो और दिक्कतों के बारे में कुछ कहना है आपको? नहीं भाई बस इतनी काफ़ी है यार, सेकंड सर्विस पे इतनी जान को आफत आ गई पता नहीं क्यों। अविराल भाई मुझे पता है क्यों लगता है आपकी में ऐसा हो गया, कहीं आप ज़्यादा डाउन शिफ्ट करते उससे तो ऐसा नहीं हुआ? वो क्या कह रहा था कि इसकी लूप और वो नहीं होती है। हाँ। अब देखो लास्ट मैंने मेरे हिसाब से 800-900 किलोमीटर पहले लूप करी होगी राइट पे, करी थी 800-900 भी नहीं हुए होंगे, तो वही है उस तरह डस्ट में मेरी बाइक ज्यादा खड़ी रहती है, इसलिए उसके शॉकर सील भी गए हैं। अरे हाँ ये तो बताने भूल गया, इसमें शॉकर सील भी गई है, एक और दर्द था बस यार, जले में नमक छिड़को, आप जैसा दोस्त सबको मिले जो दूसरों को खिलसाने का काम करे। गाइस मुझे मैट जिलर के नाम पे बहुत जलील करा गया है, जब मैं दर्द में था, जब मेरी इतनी उंगली पे पटिया बंधी हुई थी तब ये कहा गया था आप मेरे से मैट जिलर ले जाओ। इस ग्रुप में शरीफ कौन है? सबसे ज्यादा अंशुल भाई को जलील किया गया है, उस आदमी का कभी दर्द पूछा है आपने? वो भी फर्स्ट एड किट जिसपे टीवीएस का ठप्पा लगा हुआ है। क्या चल रहा है? वेरी प्राउड ओनर मेहता साहब तो बहुत ही कचरा भर जाता है देख रहे हो। अविराल भाई छुपे देखना, कभी कभी बाल निकलते हैं इसके अंदर से पता है? किसके? किसी के निकल आते हैं, डर तो नहीं पता लेकिन निकल आते हैं भाई। यार ये कैसा, ये थोड़ा गंदा सा हो रहा है, रस्टिंग जैसा सा कुछ हो रहा है। तो बोलते हैं स्प्रॉकेट। हाँ तो ये 15 दांत वाला स्प्रॉकेट है ये रहा। हाँ ये तो आपने चेंज कराया ना, ड्यूक 250 का, 300 का, और मेरे पास ड्यूक 250 का पड़ा है, किसी को लेना हो तो कॉन्टैक्ट मी। कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट बाय ऑल अबाउट ओलंपिया। गाइस टाइम पास करने के लिए कुछ तो चाहिए, स्नूकर ही खेल लेते हैं, सॉरी 8 बॉल पूल।
अब मैं मारूंगा भाई लोग, आप मेरा शॉट रिकॉर्ड करना। ऐसे खेलने यार, ऐसे आसानी है मेरे को यार, ऐसे खेल दे यार, मैं कैसे भी कुछ मार दूंगा। ये गलत है, ये चीटिंग है, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। अब आप पकड़ो, मैं शॉट हिट करूंगा। चलो फीली मारनी है मुझे, निकले कि नहीं, क्योंकि एंगल नहीं है, पर ट्राई करते हैं। टीवी ना फोड़ दूंगा इनके पीछे, फोड़ दो फोड़ दो। ओहो, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट ही लग गई, बेइज्जती गाइस, स्ट्रेट लग गई। अब देखो आप अविराल भाई का शॉट देखो, मैंने कहा ये असली प्रो, प्रो प्रो आया प्रो। गाइस बिरोल अगेन बेइज्जती हो गई ये तो। प्रो आप पहने दो, चलो ग्रीन निकाल के ट्राई करते हैं, लेकिन निकल जाए। नहीं प्लीज, अब फिर से आया है प्रो, मैं लागू बदल के इस बार करते कुछ नया सा कारनामा। करो प्रो करो। मेरी हालत कोई पंकज त्रिपाठी जो था ना स्क्रीन पिक्चर में, वही हो रही है, हमें सब पता है। ज्ञान बहुत दे रहे थे मगर हो कुछ नहीं पा रहा था। अंडरवर्ल्ड में बेइज्जती हो जाएगी मेरी अगर मैंने एडजस्ट करके भी नहीं निकाल पाया। अंडरवर्ल्ड में हो गई, सही बात है। ओ भाई एंगल नहीं बन रहा यार, इधर से आओ घूमो। नहीं 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 नहीं, पीली मार देता हूँ, मैं भी निकल जाए। अंडरवर्ल्ड तो मैंने भी देखा। देख लो भैया, ये खड़ी बाइक एकदम चमचमा गई है, हो गई सर्विस, सर्विस हो गई, थोड़ा क्लच का इशू लग रहा है, वो मैं आपको चलो अभी चलते बताऊंगा। ये रहा मेरे हाथ में बिल, बिल देख लो यहाँ पे, इसके अंदर ना एक दो काम पेट भी हैं, जैसे आगे की सॉकर की जो वो लीक हो गई थी, 1100 रुपये उसमें लगे हैं, ठीक है, तो ये शायद से 1200 रुपये उसके होंगे, 400 कुछ रुपये ये 400 रुपये, मतलब सर्विस जो हुई है इस बाइक की 486 ये ऐड कर लो, और 2200 रुपये का इंजन ऑयल था, तो 2200 और 400 ये खुद ऐड कर लो कितने हो गए 2600 रुपये, और पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो 2600 रुपये की इसकी सर्विस हुई है, और जो सस्पेंशन का काम हुआ उसके मेरे लिए, मतलब यहाँ पे विराल भाई ने पे करें उसके लिए 1100 रुपये, जिसमें लेबर चार्ज, सस्पेंशन की सील ऑयल वॉयल सब कुछ इंक्लूड था। ये देखो चमचमा गया, एकदम ब्रांड न्यू हो गया। ज़रूरी था भाई, इसके अंदर से ऑयल निकल रहा था, मैंने तो विराल भाई से बोला, मैंने कहा भाई बहुत अच्छी बात है कि इधर की साइड का सस्पेंशन लीक नहीं था, अब वो इसे बराबर साफ करके रखा करें, क्योंकि अगर इधर का लीक होता ना ब्रेक ही नहीं लगती भाई आगे की। और इसके अलावा यार एक कंसर्न बस थोड़ा सा क्लच का ही लग रहा है, बाकी देखते हैं, बाकी तो ओवरऑल बाइक मस्त हो गई, स्मूथ हो गई। सो गाइस देखो, यहाँ पे हमारी बाइक की पूरी कंप्लीट सर्विस हो गई थी। वहाँ पे यार मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाया, क्योंकि वहाँ पे ना कोई उनका वॉल्व का कोई प्रॉब्लम था, हवा बहुत ज़्यादा निकल रही थी, तो फिर अच्छी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, तो मैंने कहा चलते हुए आप लोगों को ऐसे बता दूंगा, फिर बाद में ध्यान आया कि अरे गोप्रो भी तो खराब हुआ पड़ा है, बट ठीक है कोई बात नहीं, आप लोगों को अपडेट देना जरूरी है। तो पहली चीज़ तो जो स्नूकर वगैरह यहाँ पर KTM वालों ने अपने स्टोर के अंदर रखा हुआ था, शोरूम पर रखा हुआ था, जो मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगा, मस्त स्नूकर वगैरह खेल सकते हो और भी गेम्स वगैरह खेल सकते हो, जहाँ पर आपका टाइम भी पास हो जाएगा और साथ साथ बाइक पर काम होता है, वो भी आप लोग नीचे CCTV जो लग रहे हैं कैमरे के अंदर देख सकते हो कि सारी चीज़ें कैसा काम हो रहा है। सो यहाँ पे बात करते हैं खर्चे की, वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि कितने रुपए लगे हैं ओवरऑल इस टाइम पे इस बाइक के अंदर, पैसे लग गए 2200 का इंजन ऑयल हो गया, 400-500 रुपये वो चेन ल्यूब व्यूब दो चार चीज़ें और ऑयल फिल्टर वगैरह मिला के वो हो गए, और 1100 रुपये की आगे की सस्पेंशन का काम हुआ है, तो ओवरऑल अब आप खुद कैलकुलेट कर लो तीनों कितने हो गए, तो मोटा मोटा मान के चलो तो वही कह सकते हो कि आप लोग राउंड फिगर में 3.5 से 4000 रुपये के आसपास लग गए हैं। और उन्होंने बताया कि इस बाइक का शायद से चैन सेट के अंदर कुछ इशू है, चैन सेट शायद से इस बाइक का जल्दी चला जाएगा, क्योंकि वो कह रहे थे कि जब हम टाइट कर रहे हैं तो जहाँ पे जैसे जब टाइट कर देते हैं तो एक सर्टेन टाइट रहनी चाहिए ना पूरी चैन, चाहे उसे आगे देखो चाहे पीछे देखो, बट इसमें क्या हो रहा है कभी टाइट हो जा रही है कभी लूज हो जा रही है, तो जो चीज़ गलत है, तो ये देखो अब ओनर टू ओनर वेरी करता है। हालांकि देखो विराल भाई ऐसे बंदे नहीं है कि अपनी बाइक को ख़राब करें, ठीक से ना टाइम पर अपडेट करें, वो तो इतना बढ़िया इंजन ऑयल डलवाते हैं इसके अंदर, 2100-2200 रुपये का सिर्फ इंजन ऑयल ही डलवाते हैं इसके अंदर, मुझे भी रिकमेंड करा है, बहुत बढ़िया इंजन ऑयल है वो, बट यहाँ पर कुछ चीज़ें हो जाती हैं जब आप पहली बार थोड़ी सी प्रीमियम सेगमेंट की तरफ जाओ, वो खुद कह रहे थे कि कई बार वो ल्यूब करने में थोड़ा डिले कर देते, तो मे बी इसका रीज़न वो भी हो सकता है। एंड उनकी बाइक जहाँ पे खड़ी रहती है घर के बाहर, वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा, तो चेन पे डस्ट बहुत ज़्यादा बैठते, इसका रीज़न KTM वालों ने हमें ये भी बताया है, जैसा कि उन्होंने बताया वही मैं आगे आपको बता रहा हूँ। सो चैन सेट एक मुझे लगता है कि टाइम से पहले जा रहा है, ऑलमोस्ट 6000 पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैंने 10,500 चला दी, मेरा चैन सेट अभी भी सही है, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम टाइट भी कराता रहता हूँ, ल्यूब व्यूब भी बराबर मारता रहता हूँ। बाकी उसके अलावा इसकी सस्पेंशन की जो सील है वो भी इसी वजह से कटी है, क्योंकि वहाँ पर डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, एंड अभी ये जैसलमेर की राइड भी करके आए हैं, और अविराल भाई कह रहे थे मैं सस्पेंशन की जो रॉड है साफ़ तो करते हैं, मगर वो थोड़ा पीछे की तरफ से थोड़ा बहुत डस्ट यार रही जाती है ना, तो उस चक्कर में कट गई।
एंड उसके अलावा इस बाइक के अंदर क्या प्रॉब्लम थी, उसके अलावा थोड़ी बहुत चेन लूज थी और एक मेजर सर्विस की जरूरत थी, तो बाकी सारा काम सॉर्टेड हो गया है। और इसके अंदर इंजन ऑयल डला हुआ था मॉड्यूल 300V, तो 300V जो इंजन ऑयल है जो इसके अंदर से हमने निकाला है, ग्रीन कलर का इंजन ऑयल रहता है। मैं यहाँ पे क्लिप अटैच करता हूँ, आप देखो ग्रीन कलर का इंजन ऑयल इसके अंदर डलता है, और जब उस इंजन ऑयल को इसके अंदर से रिमूव करा तब भी वो पूरा प्रॉपर ब्लैक्ड आउट नहीं हुआ था। हालांकि उस इंजन ऑयल की लाइफ रहती है 7000 किलोमीटर, बट सर्विस 5000 रुपये करा लेनी चाहिए, तो हमने एग्जैक्ट 5000 रुपये इसकी सर्विस कराई है। तो यहाँ पे इंजन ऑयल ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, तो उस इंजन ऑयल को हमने निकलवा लिया, वापस लिया है। आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो किसी दूसरी चीज़ों के अंदर डालने के लिए। एंड तो ऐसी कुछ भाई इस पूरी बाइक की सर्विस हुई है। होप वीडियो बढ़िया लगा होगा, मज़ा आया होगा। आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और थोड़ा वॉइस ओवर पीछे से कर रहा हूँ, मेरी मजबूरी है, मैंने जैसे कि आप लोगों को बता दिया है। तो जब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।